बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आज सीखेंगे कि किस तरह पीटीसेल बीबी को हैक कर सकते हैं। कोई भी पीटीसेल बीबी हो उसको हम कैसे हैक कर सकते हैं। अगर पासवर्ड उसका डिफ़ॉल्ट है, मींस जो कंपनी के थ्रू जो लग गया है, वो हम हैक कर सकते हैं। अगर अगले बंदे ने जिसका पीटीसेल है उसने अगर चेंज कर लिया है तो हम उसे हैक नहीं कर सकते, पर 70-80% हैक हो जाता है पीटीसेल बीबी खास तौर पे। सो हमें करना क्या है, पहले हमें पीटीसेल बीबी को वाईफाई एनालाइजर को डाउनलोड करेंगे। सो हमारे पास वाईफाई एनालाइजर मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। सो आप पहले वाईफाई एनालाइजर इंस्टॉल करेंगे, फिर उसे ओपन करेंगे। उसके बाद ये कुछ इस तरह दिखाएगा, जैसे ये पीटीसेल बीबी का मेरे पास एक कनेक्शन आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। इसका मतलब ये मेरी रेंज से थोड़ा दूर है, मैं थोड़ा करीब करूँ कहीं पे भी तो ये करीब होगा। अब मैं वाईफाई को ओपन करता हूँ अपने, मेरे पास अपना नेट तो चल रहा है पर इसको मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ वाईफाई एनालाइजर के जरिए। सो इसमें पासवर्ड आ रहा है कि 5 से लेके जो एंड तक जो भी डिजिट आ रहे हैं ना, ये वाले, ये 5 से लेके 0 तक जो इसके डिजिट आ रहे हैं, ये ही असल में पासवर्ड होता है। सो कभी कभी एंड में 9 होता है या 7 होता है या ई होता है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, उसका 1 माइनस करना है उसमें से। जैसे अगर बी हो तो ए करना है, 9 हो तो 8 करना है, 8 हो तो 7 करना है, मीन्स उसमें से 1 माइनस करना है। और यहाँ पे 0 है तो हम 0 पे ही ट्राई करेंगे, वरना हम यहाँ पे 1 या 9 लगा सकते हैं अगर ये ना कनेक्ट हो तो। तो हम पहले इसमें ये वाला पासवर्ड लगा के देख सकते हैं कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे पासवर्ड था 53 और 9800D0। सो वहाँ पे देखते हैं 53980D0, वही पासवर्ड हमने पीटीसेल बीबी पे लगाया। सो इस तरह हम किसी भी पीटीसेल बीबी के पासवर्ड को वाईफाई को हैक कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।